से जबरन उसका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। मामला दतिया का है, जहां एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, आरोप है कि धर्म परिवर्तन न करने पर महिला के पति और सास ने पादरी के कहने पर उसकी बुरी तरह से पिटाई भी की। महिला का कहना है कि उसके ससुराल वाले उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे इस्लाम धर्म कबूलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जबकि उसकी आस्था हिंदू धर्म में है। पीड़ित महिला ने बताया कि 3 महीने पहले उसे बेटी हुई तो ससुराल वालों ने बेटी होने का कारण धर्म परिवर्तन ना कबूलना बताया और महिला की पिटाई भी की। घायल महिला रतिया के नागरिक अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। कुड़िया हुई जो मैंने पादरी के कहना कहना भी ये कुड़िया अज साइन मानती होंगी तो कहना तेरे को भी मुंडा होता है को मेरी सस तो मेरा घर वाला पादरी के मगर लग के पास्टर पादरी के मगर लग के कहना अगर ना जे मतलब छोरा को नहीं जमे तो ना छोरी जमी है जो तू तो साई का नाम लिता हों तो कहें हूँ तेरा मुंडा हों जे तेरे कह कुड़ी हुई ना तेरे मापियां जाके कहना जो कुड़ी के नाम जरा खर्चा जरा शूषक तो कहना कार लेके आई कहना मैं क्या भी कुड़ी तो मम्मी छोड़ी भी थोड़े पुत की है कहना भी तुम मैं ये क्यों गल रखी ने इन्नी गल कहना मैंने उन्होंने कुटिया तो मेरे बाहर सट्टा मारियाँ मेरे मोढ़े तो मारे मेरे जो दिखा नहीं सकती अंकल जी मेरे पासियाँ इन्हें सट्टा मारियाँ मेरे को मैं मार मोर के इन्होंने बाहर सिटता गली के मैं होश भी नहीं सी मेरी धी ने गली से सिटता मेरी धी के कपड़े भी नहीं सी मेरे तरन से मेरी धी तो बिना कपड़े तो गाड़ी में देख के मेरी धी मैं होश आया ना तो और मैं किसी के घर गई जो मैं होश आया जाके मैं आख्या भी मेरे अंकल जी मैंने घरों किसी मेरे सास ससुर घर वाले ने कढ़ता उन्होंने भी तेरे ने मदद की उन्होंने कहा जो तू तेरे मापिया को फोन कर दे जो मैं मापिया को फोन करे जो मेरे मापे आए मेरे को मेरे मापिया ने अगर गल दसी मेरे बाप को ए कभी सिटती मैं ब्याई है कुड़ी को भी बेची तो नहीं भी तुम ए सिटती मेरी कुड़ी को यह मेरे मापिया भी मारन लग गए मारन पै गए मेरे मापिया मेरे बंदे ने तो मेरे सस ने कुटा मेरे बंदे ने तो मेरे लत्तों मैनू डंडिया मेरे बाहों पर मारी मेरे बंदे ने मेरी सस ने मगर लग के मेरी छाती मेरी कुड़ी ने दुध प्योनी है मेरी छाती से मारे मैंने इन्ने दुध मैं थले डिग गई सोफिया तो तीजा अंकल पादरिक इन्होंने सारा कुछ मेरा किया है कहना भी जी अज मुंडा होंगे तो कहती भी साई बनी होंगी तो कहती इन्हें को मुंडा होंगे ना मैं अज रखता ना मैं कल रख रखता तेन बहर सुटती मैं तक मैं तो वही बात की खबर मिलते ही बजरंग दल के जिला संयोजक कार्यकर्ताओं सहित मौके पर पहुंचे और पीड़ित महिला से बातचीत की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री व हरियाणा डीजीपी से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। मामला हमारे संज्ञान में आया है, अगर प्रशासन इस पास्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेगा तो हम सीएम से मुख्यमंत्री गृह मंत्री से मांग करते हैं इस धर्मांतरण के ऊपर भारी तादाद में जो धर्मांतरण था उसके ऊपर रोक लगे। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित महिला के बयानों के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पति सास और एक अन्य आदमी पर मार पीट के आरोप लगाए हैं, पुलिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया और आगे जांच जारी है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज? कुल 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, एक पति सास और एक अन्य आदमी मार पीट का पता नहीं। मामले की जांच की जा रही है। मामले की जांच की जा रही है। धर्म अपनाना हर किसी का अपना फैसला है, इसके लिए किसी पर भी दबाव नहीं डाला जा सकता। ये व्यक्ति का अपना फैसला है कि वो कौन सा धर्म अपनाए, किसी की मर्जी के खिलाफ उसका धर्म बदलवाना कानून की दृष्टि में भी उचित नहीं है। हिंद एक्सप्रेस के लिए रतिया से अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट।